नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में करते हैं सुबह की शुरुआत एनबीसी न्यूज की खबरों के साथ। जाने देश विदेश की बड़ी खबरें एक साथ। मिडिल क्लास पर पड़ी जीएसटी की बड़ी दरों की मार, कम हुई सेविंग, किचन का बजट गड़बड़ाया। केंद्र सरकार ने डेयरी प्रोडक्ट्स पर 5% जीएसटी लगाने का लिया फैसला। दिल्ली में पॉपुलेशन सर्टिफिकेट नहीं तो कार बाइक मालिक के घर पहुंचेगा 10,000 का चालान, जेल का भी होगा प्रावधान। लद्दाख विवाद को सुलझाने के लिए भारत चीन के बीच चली मैराथन बैठक, फिर हुई बेनतीजा। भारत चीन की सेना के बीच यह बैठक थी 16वें दौर की। करोगी याद तो हर बात याद आएगी, गाने वाले भूपेंद्र सिंह का 82 वर्ष में निधन। भूपेंद्र के जाने के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री में छाया शोक। नागपुर में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस आरएस मुख्यालय पहुंचे। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और मोहन भागवत के बीच चली 50 मिनट तक बैठक। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, लोगों से की सावधानी बरतने की अपील। राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग की प्रक्रिया जारी, संसद भवन में पीएम मोदी ने डाला वोट। राष्ट्रपति चुनाव में हुआ 99.18% मतदान। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का ऐलान, बस हादसे में मृतकों के परिजनों को दी जाएगी 10 लाख की आर्थिक सहायता। महाराष्ट्र में भारी बारिश और बाढ़ से अब तक 105 लोगों की मौत, राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग ने की रिपोर्ट जारी। कहा नदियों के उफान के कारण हो सकती है बाढ़ की स्थिति पैदा। और बॉर्डर पर बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तानी घुसपैठियों को किया गिरफ्तार, आगे की जांच शुरू।